इधर कुछ मछली के बच्चे पड़े हुए हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ जिंदा है। तो यार जो जिंदा है उनको मैं सोच रहा हूँ अपने घर लेकर चलता हूँ, शायद ये बच जाएं, क्योंकि इधर ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ये ना हो कि यहाँ पर मर जाएं। तो इनको लेकर चलते हैं घर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अभी मैं गया था धान की कटाई करने, तो उधर ना मुझे कुछ मछलियों के बच्चे मिले, जो कि यार कुछ मर चुके थे और कुछ जो थे ना वो ज़िंदा थे। तो यार मैंने उनको ना पानी की बोतल के अंदर डाल ली, और कोई चीज़ मुझे वहाँ पर मिली नहीं यार डालने के लिए। तो ना ये एक पानी की बोतल पड़ी हुई थी, तो इसके अंदर मैंने पानी भरा और इनको डाल लिया। यार मैं इनको बचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अगर वहीं पर छोड़ कर आ जाता तो यार ये डेफिनेटली मर जाते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी की जो थी ना थोड़ी सी कमी थी, तो थोड़ी सी जगह पर पानी बचा हुआ था तो उसी में ज़िंदा थे। तो इनको मैं पानी की बोतल में भर के ले आया हूँ यार, आई होप कि ये बच सकें। तो अभी मैं चलता हूँ घर और इनको बचाने की कोशिश करते हैं। मैंने टब में पानी भर लिया और अभी ना इनको मछली के बच्चों को डालते हैं पानी के अंदर और फिर इनके लिए लेके आएंगे अर्थवॉर्म से। मैंने सुना है कि अर्थवॉर्म ना मछलियाँ बहुत शौक से खाती हैं, तो अभी इनको डालते हैं पानी के अंदर। तो यार अभी मैं इधर आया मछलियों के लिए अर्थवॉर्म लेने, तो यहाँ पर ढूंढते हैं अगर अर्थवॉर्म मिलते हैं तो यार इसको जो है ना खाला बोलते हैं, इधर से ना खेतों में पानी लगाया जाता है, तो इधर उम्मीद है कि यहाँ से अर्थवॉर्म मिल जाएंगे। तो यार ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर मिलते हैं तो। यार एक इधर मुझे ये मिल गया अर्थवॉर्म, ये इधर आपको शायद नज़र आए, तो ये रहा इधर। तो यार इस तरह अगर और भी मिल जाते हैं तो इनको भी लेकर चलते हैं एक साथ। एक मुझे मिल गया है, एक और मिल गया यार, एक ये इधर रहा। यार इसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। यार मैंने सुना था कि जो मछलियाँ होती हैं उनको बहुत शौक से खाती हैं, तो यार इनको आज खिलाकर देखते हैं अगर खाती हैं तो। यार मेरे ख्याल इतने काफ़ी हैं मछलियों के लिए आज के लिए, तो इनको लेकर चलते हैं और डालकर देखते हैं अगर खाती हैं तो मछलियाँ। तो यार अभी माशाल्लाह मछलियाँ जो है ना खुश फिर रही हैं, तो इनको अब डालकर देखते हैं खाती हैं या नहीं। तो यार ये ना मछलियाँ करीब तो आ रही हैं, पता नहीं डर रही हैं या। तो यार इसको काट कर फिर डाल कर देखते हैं खाती हैं या नहीं। तो यार ये जो पीस है इनको डाल कर देखते हैं खाती हैं या नहीं। तो यार ये जो छोटे वाला पीस है ना इसको इन मछलियाँ शौक से खा रही हैं, तो इनको यही डालते हैं, आई होप ये खा लें। तो चलिए देखते हैं खाती हैं या नहीं। तो यार मछली वाले टब में मैंने सिर्फ दो अर्थवॉर्म ही डाले हैं, और बाकी जो अर्थवॉर्म बचे हैं ना उनको ना मैं अपनी क्यारी में डालता हूँ, क्योंकि ना ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये बेस्ट ड्रिलर होते हैं, तो ये ज़मीन को जो है नरम करते हैं। तो यार जो बच गया इनको ना मैं इधर अपनी क्यारी में डाल दूँगा, तो ये बेस्ट ड्रिलर भी होते हैं। तो यार इधर जो घास कटा हुआ रखा है इसको उठा कर घर लेकर चलते हैं। तो अभी ना मछलियों को रोटी का चूरा डालकर देखते हैं कि खाती हैं या नहीं खाती। तो माशाल्लाह से मछलियां ना यार हमारी रोटी खा रही हैं। तो आज सिर्फ मुझे धनिया और पालक उगाने के लिए जगह तैयार करनी है, तो चलो यार करते हैं जगह की तैयारी और उसके बाद इंशाल्लाह काश्तकारी करेंगे धनिया और पालक की। तो यार जगह मैंने ना तैयार कर लिया, बस अब इसके सूखने का इंतजार करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके अंदर धनिया और पालक की काश्तकारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।